हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हमारे मध्य प्रदेश में हुए थे दिसंबर जनवरी में 2023 में, दिसंबर 22 से जनवरी 2023 तक। तो ये क्योंकि मध्य प्रदेश में हुए थे तो यहाँ से तो प्रश्न बनना ही बनना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 50 क्वेश्चन मैं इसके कराऊंगी, इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, तो इनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ये जो 2022-23 का जो संस्करण था वो कौन सा, मतलब कितने बार अब तक पहले हो चुके हैं। तो जो अभी वाला जो संस्करण था वो 5वां संस्करण था। सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यही है, 2022 का जो संस्करण था वो कौन सा संस्करण था, तो 5वां संस्करण था। मेजबान कौन रहा? हमारा मध्य प्रदेश। कौन रहा? हमारा मध्य प्रदेश रहा था। आयोजन कब से कब तक हुआ? तो आयोजन हुआ था 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक। कब? 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक। कहाँ कहाँ हुआ ये? तो ये जिले नंबर भी याद रखिएगा, ये भी पूछ सकते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश के कितने ज़िलों में हुए हैं। तो ये मध्य प्रदेश के 8 ज़िलों में हुए हैं। देखो मैंने इस तरह से लिखा है कि आपको याद हो जाए। देखो 4 ज़िले तो ऐसे हैं जो मोस्टली हर जगह पर रहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे बड़े में गिनती की जाती है। कौन कौन सी? एक तो भोपाल, इंदौर और जबलपुर, ग्वालियर। इसके अलावा कौन से 4? तो देखो उज्जैन है, मंडला और महेश्वर। माँ से आ गए ये। उज्जैन है, मंडला और महेश्वर है, और बालाघाट है। ये 4 उज्जैन, मंडला, में रीवा सागर नहीं है इसमें, रीवा सागर इसमें नहीं है। उज्जैन में है, मंडला में है, महेश्वर में है, बालाघाट में है। ऊपर के 4 तो आपको याद रहेंगे, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, क्योंकि बड़े बड़े हैं। ये वाला आपको याद रखना है कि उज्जैन, मंडला, महेश्वर और बालाघाट, उज्जैन, मंडला, महेश्वर और बालाघाट में हुए। शुभंकर क्या था इसका? शुभंकर था आशा, चीता और मोगली। चीता जो आशा नाम का, और मोगली इसका शुभंकर था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या था? शुभंकर आशा, चीता और मोगली थे। इसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मसाल का प्रयोग किया गया था। इस मसाल का नाम क्या है? इस मसाल का नाम है अमरकंटक। मसाल का नाम क्या है? अमरकंटक। फ्रेंड, आज शाम को एक वीडियो लेके आऊँगी, अभी लेके आऊँगी, मतलब 2 घंटे बाद। महारत्न कंपनियों की स्थापना कब हुई, कितनी है, किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा किस सन में दिया, क्योंकि पिछली बार BHEL का पूछ लिया था, तो इस बार भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम वही करेंगे। बहुत ही शानदार वो वीडियो होने वाला है, नेक्स्ट वीडियो वही रहेगा। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसको फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करके मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कीजिएगा इंस्टा पर। मसाल का नाम क्या है? अमरकंटक। अमरकंटक की जो मसाल बनी है ना, ये इस तरह से मसाल बनी है, जैसे कि अग्नि की लपटें होती है, तो उस पर नर्मदा की जो बहती हुई नदी है ना, उसको उकेरा गया है, मतलब नर्मदा की आकृति को उकेरा गया है। ये भी पूछ सकते हैं कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो मसाल है अमरकंटक, उसमें किसकी आकृति दिखती है, तो उसमें नर्मदा की आकृति उकेरी है। दोनों फैक्ट याद रखिएगा। अगला है थीम सॉन्ग क्या था, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स था उसका थीम सॉन्ग कहाँ तक क्या था? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। क्या था थीम सॉन्ग? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। इसके गायक कौन थे? इसके गायक थे शान। हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, गायक कौन थे? शान थे। जो हमारा मध्य प्रदेश का गीत है उसको भी इन्हीं ने गाया है। और इसका जो यूथ गेम्स है, खेलो इंडिया यूथ गेम, उसका भी थीम सॉन्ग किसने गाया है? शान ने गाया है। अब है शामिल कि इसमें कुल कितने खेल शामिल थे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कुल कितने खेल शामिल थे? तो कुल 27 खेलों को इसमें शामिल किया गया है, और 3 ऐसे खेल हैं जिनको पहली बार शामिल किया गया है। वो 3 खेल कौन से थे? कयाकिंग, कैनोइंग जिसको K2 बोलते हैं, दूसरा है रोइंग, तीसरा है कैनो सलालाम। कयाकिंग, कैनोइंग, रोइंग और कैनो सलालाम, ये 3 ऐसे गेम्स हैं जिनको अभी मतलब पहली बार इनमें शामिल किया गया है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कितने नए खेलों को, तो नंबर भी याद रखना 3, और कौन कौन से किए हैं? तो कयाकिंग, कैनोइंग, रोइंग, कैनो सलालाम, इनको किया है, तो ये भी याद रखना। और कुल शामिल देश कितने हैं? 27 हैं, तो ये भी याद रखिएगा। इसका उद्घाटन कब हुआ था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन कब हुआ था? 30 जनवरी 2023 को।
उद्घाटन कब हुआ? 30 जनवरी 2023 को। कहाँ पर हुआ था उद्घाटन? तो उद्घाटन हुआ था टीटी नगर स्टेडियम भोपाल में हुआ था। टीटी नगर स्टेडियम भोपाल में इसका उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन कहाँ पे? क्योंकि 8 जगह पे हुए ना, तो आपको याद रखना है कि उद्घाटन कहाँ पे हुआ था। तो उद्घाटन हुआ था टीटी नगर स्टेडियम। टीटी नगर स्टेडियम कहाँ पर है? भोपाल में है। और जो उद्घाटन समारोह में एक विशेष अतिथि हमारे यहाँ पे उपलब्ध थी, वो थी निकहत जरीन, जो कि बॉक्सर हैं तेलंगाना की। बहुत ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और उनकी आवाज़ तो स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उद्घाटन समारोह में विशेष अतिथि कौन थे? निकहत जरीन थी। अगला है, समापन समारोह की शुरुआत किसने की? समापन जो समारोह होने वाला था उसकी स्टार्टिंग किसने की थी? तो समापन समारोह में थे अनिर्वन राय। ये जो अनिर्वन राय हैं, ये बांसुरी वादक हैं। अनिर्वन राय कौन है? तो समापन समारोह की शुरुआत की थी अनिर्वन राय ने। और ये अनिर्वन राय कौन है? ये एक बांसुरी वादक हैं। फ्रेंड, ये मेरे MBPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है। बहुत ही शानदार 2500 MCQ FLT इसमें तैयार किए गए हैं। पूरा जो फुल लेंथ टेस्ट है उसी प्रकार का टेस्ट है। हर यूनिट से क्वेश्चन लिए गए हैं, जिस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप हमारी ये 2500 MCQ की टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। एक साथ आपको ये टेस्ट मिल जाएंगे। आप एक साथ इसकी कॉपी, इसमें लगभग 221-222 पेजेस होंगे। आप इसकी कॉपी निकाल के 100-150 रुपये में कॉपी निकलवा के बाइंडिंग करा के घर बैठ के 2 से 3 दिन में अपने ये 2500 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। इसके द्वारा इससे मिलते जुलते आपके और क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। नीचे हर पेज के नीचे उनके आंसर दिए हुए हैं, आपको पीछे नहीं पलटना है। तो इन 2500 क्वेश्चन को जरूर लगाइए। इनकी सॉफ्ट कॉपी की प्राइस 399 रुपये है। 399 में आपको मुझे व्हाट्सअप करना है, पेमेंट नंबर लेना है, पेमेंट करके स्क्रीन शॉट देना है। देन आपके पास 5 मिनट में ये टेस्ट आपके पास आ जाएंगे। और ये फ्रेंड मेरी आयोग की यूनिट प्रश्नोत्तरी है और यूनिट 10 की है। इसमें टॉप 900 MCQ हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी का चार्ज 199 रुपये है। इसमें संपूर्ण आयोग के MCQ कवर किए हैं। बहुत ही शानदार ये भी सॉफ्ट कॉपी है। तो अगर आप हमारे टेस्ट लेना चाहते हैं या आप हमारे आयोग की प्रश्नोत्तरी लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब अगला पढ़ते हैं, ये जो प्रतियोगिता हुई थी इसमें प्रथम कौन आया था? तो इसमें प्रथम आए हैं महाराष्ट्र। द्वितीय कौन आया है? द्वितीय आया है हरियाणा। और तृतीय कौन आया है? मध्य प्रदेश। ही मध्य प्रदेश का जरूर पूछ सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रथम पर कौन आया है? तो प्रथम पर आया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने कितने पद जीते हैं? महाराष्ट्र ने 161 पद जीते हैं। द्वितीय पे कौन आया है? द्वितीय पे हरियाणा आया है। हरियाणा ने कितने पद जीते हैं? 128 पद जीते हैं। तृतीय पे कौन आया है? तृतीय पे मध्य प्रदेश आया है। इसने कितने पद जीते हैं? 96 पद जीते हैं। तीनों के पद भी आपको याद रखना है। महाराष्ट्र ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो देखो टोटल जीते हैं कितने महाराष्ट्र ने? 161। इसमें सबसे ज़्यादा जीते हैं महाराष्ट्र ने स्वर्ण, मतलब सब स्वर्ण जीते हैं 56। 55 जीते हैं रजत। देखो एक एक कम करके आ गया स्वर्ण और रजत। 56 जीते हैं स्वर्ण, 55 जीते हैं रजत और 50 जीते हैं कांस्य पदक। तो महाराष्ट्र का याद रखना, क्योंकि महाराष्ट्र पहले नंबर पर आया है और उसने 56 स्वर्ण पदक जीते हैं, 55 रजत पदक जीते हैं और 50 कांस्य पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे अभी, तो राष्ट्रमंडल खेलों में हमारे भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं और भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? फ्रेंड, मैंने पूरा जो खेल है, खेल से संबंधित लगभग 125 या 150 प्रश्नों का एक बहुत ही अद्भुत संग्रह बनाकर आपको वीडियो बनाया था अभी कुछ ही दिन पहले। उसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, वो जरूर देखिएगा। बहुत ही शानदार वीडियो है। कल मैं मध्य प्रदेश खेल का लेके आऊँगी 500 प्रश्न। मध्य प्रदेश खेल के वो 500 प्रश्न कर लेना, करंट भी शामिल रहेगा, उसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो वो मध्य प्रदेश करंट का मैं कल लेके आऊंगी, 500 प्रश्नों का मैराथन रहेगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने पदक जीते और कितने स्थान पर रहा। अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश किस स्थान पर है? तो मध्य प्रदेश है, सॉरी पहले हरियाणा देख ले, है ना। हरियाणा को कितने स्वर्ण पदक मिले? तो हरियाणा को मिले हैं 128 मिले हैं, जिसमें उसने 41 स्वर्ण पदक जीते। सबसे ज़्यादा हरियाणा ने कांस्य पदक जीते हैं 55, 32 जीते हैं रजत और 41 जीते हैं स्वर्ण। 55 जीते हैं क्या कांस्य, 32 जीते हैं रजत और 41 जीते हैं स्वर्ण।
अगला है मध्य प्रदेश ने कितने स्वर्ण जीते। मध्य प्रदेश ने टोटल कितने जीते हैं, टोटल मध्य प्रदेश ने जीते हैं 96, इसमें से मध्य प्रदेश ने 39 जीते हैं स्वर्ण, मतलब स्वर्ण सबसे ज़्यादा जीते हैं। रजत जीते हैं 30 और कांस्य जीते हैं 27। तो 39, 30 और 27 ये है मध्य प्रदेश का, 41, 32 और 55 ये है आपका हरियाणा का, और महाराष्ट्र का है 56, 55, 50, तीनों ही याद रखिएगा। समापन समारोह के अवसर पर गगन नारंग जो शूटर है वो भी उपस्थित हुए थे। समापन समारोह के अवसर पर कौन उपस्थित हुए, गगन नारंग शूटर। फ्रेंड ये नंबर, इस पर ये जो नंबर दिया है इस पर मुझे व्हाट्सअप करके अपना नंबर जरूर सेव करवा लीजिएगा, हाई लिख कर भेज दीजिएगा, मैं और सेव इट करके अपना नाम भेज दीजिएगा, नंबर सेव हो जाएगा, स्टेटस के थ्रू भी आपको क्वेश्चन आंसर याद होते रहेंगे। और विषय आपसे पूछे स्पेशली विशेष अतिथि के रूप में किसको बुलाया गया था, तो अनुराग ठाकुर आए थे। दूसरा आया था निषिद्ध प्रमाणिक, ये निषिद्ध प्रमाणिक कौन है, एक केंद्रीय राज्य मंत्री हैं ये निषिद्ध प्रमाणिक। तो अनुराग ठाकुर थे विशेष अतिथि और निषिद्ध प्रमाणिक थे अतिथि में। कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था, देखो कुल कितने खेल शामिल हुए थे 27, कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया था 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया था। कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया 6000 खिलाड़ियों ने भाग लिया, कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया 6000 खिलाड़ियों ने भाग लिया, कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। फ्रेंड कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि अभी इस समय भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो बहुत सारा लेकिन फिर भी बताइएगा क्योंकि दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया 36, कितने खिलाड़ियों ने टोटल भाग लिया 6000, किस राज्य ने सबसे बड़ी टीम उतारी मतलब सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों की, तो सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों की टीम उतारी है मध्य प्रदेश ने, किसने उतारी है मध्य प्रदेश ने सबसे बड़ी टीम उतारी है, कितने लोगों की 474 लोगों की, मध्य प्रदेश ने सबसे बड़ी टीम उतारी है कितने लोगों की 474 लोगों की, मध्य प्रदेश की टीम सबसे बड़ी है। मध्य प्रदेश में एकमात्र जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से 2 स्वर्ण पदक जीते तो वो है नितिन वर्मा। नितिन वर्मा ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से 2 स्वर्ण पदक जीते थे, और ये जो नितिन वर्मा हैं ये कयाकिंग कैनोइंग से संबंधित हैं, किससे हैं कयाकिंग कैनोइंग से संबंधित हैं। तो मध्य प्रदेश के एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से 2 स्वर्ण पदक जीते कौन है, नितिन वर्मा है, कयाकिंग कैनोइंग से ये संबंधित है। अगला है मध्य प्रदेश सरकार पदक जीतने वाले को कितने रुपए देगी, 5 लाख रुपए देगी मध्य प्रदेश सरकार पदक जीतने वाले को, कितना देगी, कोई भी पदक जीतेगा तो भी देगी। महिलाओं के K1 स्पर्धा में उड़ीसा की पी रोजी देवी व मध्य प्रदेश की वनीता चानू ने संयुक्त रूप से स्वर्ण पदक जीता। K1 स्पर्धा में उड़ीसा की पी रोजी देवी ने और मध्य प्रदेश की विनीता चानू ने संयुक्त रूप से स्वर्ण पदक जीता। सुधी गुप्ता व दीपेश लश्करी मध्य प्रदेश के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1 स्वर्ण पदक जीता और 2 रजत पदक जीते, ये जिम्नास्टिक में हैं। सुधी गुप्ता और दीपेश लश्करी, सुधी गुप्ता और दीपेश लश्करी किस खेल से संबंधित हैं, तो ये जिम्नास्टिक से संबंधित हैं सुधी गुप्ता और दीपेश लश्करी, याद रखिएगा कौन, सुधी गुप्ता और दीपेश लश्करी ये जिम्नास्टिक से संबंधित हैं, इन्होंने 1 स्वर्ण और 2 रजत जीते। फुटबॉल खेल महिलाओं का, देखो 8 जगह पे हुआ था तो अलग अलग जगह पे हुए थे, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। फुटबॉल खेल महिलाओं का कहाँ पर हुआ था, बालाघाट में हुआ था फुटबॉल महिलाओं का, और पुरुष का कहाँ पे हुआ था, तो वो इंदौर में हुआ था। फुटबॉल महिलाओं और पुरुषों का अलग अलग हुआ था, तो महिलाओं का हुआ था बालाघाट में और पुरुषों का हुआ था इंदौर में। अगला है गतका थांगता खेल कहाँ पे हुआ, गतका थांगता खेल हुआ मंडला में, गतका थांगता खेल कहाँ हुआ मंडला में। सलालाम चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है, सलालाम चैंपियनशिप हुई है महेश्वर में, कहाँ पर हुई है सलालाम चैंपियनशिप, महेश्वर में। योगासन व मलखम्ब कहाँ पे हुआ, योगासन व मलखम्ब हुआ उज्जैन में, योगासन और मलखम्ब कहाँ पर हुआ है, तो योगासन और मलखम्ब हुआ है उज्जैन में, कहाँ पर हुआ योगासन और मलखम्ब, उज्जैन में हुआ।
बैडमिंटन, हॉकी, जिमनास्ट, कलारी पट्टू कहाँ पे हुआ है? तो योगासन और मलखम उज्जैन में हुआ है, सलालाम महेश्वर में हुई है, गतका टोंगता मंडला में हुआ है, बैडमिंटन, हॉकी, जिमनास्ट, कलारी पट्टू हुआ है ग्वालियर में। बैडमिंटन, हॉकी, जिमनास्ट, कलारी पट्टू कहाँ हुआ है? ग्वालियर में। ये देखो एक बार ये याद दे रख लो, ये अलग अलग समय की है तो ये पूछा जा सकता है। जैसे कि 2018 में जो पहला, अभी पांचवा संस्करण है, सबसे पहला हुआ था दिल्ली में सबसे पहला हुआ था, उस समय हरियाणा प्रथम आया था और मध्य प्रदेश का 12वां स्थान आया था पहली बार में। 2018 में हरियाणा प्रथम आया था और 2021 में भी हरियाणा प्रथम आया था। इसके बाद अगर देखा जाए तो पहले और चौथे को छोड़ दिया जाए, पहले और चौथे में हरियाणा प्रथम आया है, बाकी में दूसरे में, तीसरे में और पांचवे में महाराष्ट्र प्रथम आया है, पहले और चौथे में हरियाणा आया है। इसके बाद पहले हुए थे नई दिल्ली में, दूसरे हुए थे महाराष्ट्र में, तीसरे असम में हुए थे, चौथे हरियाणा में हुए थे और हरियाणा ही प्रथम आया, तो पांचवा हमारा मध्य प्रदेश में हुआ है। हमारे मध्य प्रदेश को 2018 और 2020 में 12वां स्थान मिला था, 2019 में 13वां स्थान मिला था और 8वां स्थान मिला है 2021 में। इसके अलावा ये एक बार देख लो कि मंडला में क्या हुआ, गतका थोंगता मैंने अभी बताया, बालाघाट में महिला फुटबॉल, महेश्वर सलालाम, योगासन मलखम उज्जैन में, ग्वालियर में हुआ बैडमिंटन, हॉकी, जिमनास्ट, कलारी पट्टू। बैडमिंटन हॉकी कहाँ पे हुए? ग्वालियर में हुए। जिमनास्ट भी कहाँ हुए? ग्वालियर में हुए। कलारू पट्टू कहाँ हुए? ग्वालियर में हुए। इसके बाद जबलपुर में क्या हुआ, तीरंदाजी, खो खो, तलवारबाजी, रोड साइकिलिंग, ये कहाँ पे हुई? जबलपुर में हुई। इंदौर में कहाँ क्या हुआ, बास्केटबॉल, वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, कबड्डी, फुटबॉल और टेनिस। भोपाल में बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, कुश्ती, कयाकिंग कैनोइंग भी भोपाल में हुई, शूटिंग भी भोपाल में, रोइंग भी भोपाल में, वॉलीबॉल, जूडो और स्विमिंग, ये कहाँ पे हुई? भोपाल में हुई। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए उन्हें भी करवा दिया। सो फ्रेंड, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।